चलिए स्टार्ट हो गया है बाबू। यानी हम लोग कल एम करीम का दूसरा चैप्टर यानी वेक्टर पार्ट है बाबू, 15 तक 16 कर लिए थे, आज 15 के बाद आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा दो चार क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो सकता है, कम क्वेश्चन निकल पाएगा। चलिए हम लोग 16 पढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, 15 तक हो गया था, क्लियर। अच्छा एम करीम का है, एम करीम अपना देखिए बुक निकालिए और सीरियल नंबर 16 में देखें, क्लियर। हिंदी में सिर्फ लिखा हुआ है, इंग्लिश का सर मेरे पास नहीं, हिंदी वाला पढ़ देते हैं। देखिए चलो 16 बोला गया बाबू, तीन सदिश वेक्टर पी, वेक्टर क्यू तथा वेक्टर आर का परिमाण कर्मशः, परिमाण लिखा हुआ चला उसको सुधार लीजिएगा, परिणामी लिखा हुआ है सुधार लें, परिमाण कर्मशः 12 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 30 न्यूटन है। और यदि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू वेक्टर आर, मतलब आर जो है पी प्लस क्यू का योगफल है, देन तो वेक्टर पी तथा वेक्टर क्यू के बीच कोण ज्ञात करना है। सुन लीजिए, बोला गया चला कि आपके पास पी का परिमाण जो दिल है चला, वो पी का कितना है, कहाँ गए 12, पी आपके पास 12 है, क्यू आपका 5 है और आर आपका 13 है, क्लियर है चला। और बोल दिया है कि आर जो है बाबू वो आपका पी प्लस क्यू है, वेक्टर पी प्लस क्यू का योगफल है, तो हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है बाबू, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, एंगल व्हाट करना निकालना है, क्लियर। करने का मतलब बाबू कौन हमें ज्ञात करना है, याद रखिए कि आर वाला फार्मूला होता है चला, वी नो दैट हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला, आर बराबर अंडर रूट, ये एक फार्मूला चला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, क्लियर है, ये हमारा कौन हो गया, क्लियर। अब आर का मान आपका दे ले चलो, आर के बार हम 13 रख सकते हैं, 13 हो जाएगा, स्क्वायर भी दोनों कर दें डायरेक्ट, 13 का स्क्वायर हो जाएगा चला, आर रूट खत्म करते हैं, पी स्क्वायर कितना, पी का मान आपका कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर, क्यू का मान आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2, चलो पी क्यू ऐसी रहे, अच्छा रहने दो, रख देते हैं वैल्यू चला, पी का मान 12 हो गया, क्यू का मान 5 है, कॉस थीटा है, क्लियर। अब दो चला 13 69 से उतार चला, बर भरे 44 से बर 25 हो जाएगा, पल हो जाएगा चलो 12 120 हो जाएगा, ऐसे इसको करने की जरूरत नहीं, कट रहा 0 आ जाएगा सब। अब दो चला 169 हो जाएगा, इधर भी होगा 169 144 25 169 हो जाएगा चला, बराबर 120 कॉस थीटा है, चलिए कटेगा चला, इधर माइनस लगाएगा 0 तो 0 बच जाएगा, 0 बार 120 cos थीटा, इले चला cos थीटा बार कितना आ जाएगा बाबू, 0 बटा 120 भागा देंगे तो कितना आएगा 0, अब बताओ थीटा मान कितना पर cos का 0 होता है 90 पर, इले cos 90 दे सकते हैं 0 जगह पर कि नहीं, इले थीटा बार कितना आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया चला आंसर, आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। यानी आपका हो गया बन गया है कि मैं क्वेश्चन चला 16 17 में, वो देखिए 17 क्वेश्चन 17 नंबर में बोला गया बाबू, 17 में बोला गया तीन सदिश सेम इसी प्रकार है, पी क्यू आर का मान दे दिया, पी का मान 3 न्यूटन है, क्यू का मान 4 न्यूटन है, आर का मान 5 न्यूटन है। अब बोल दिया है कि चूंकि अब बोला है चला पी प्लस क्यू बराबर आर है, बोल दे वेक्टर आर है, तो हमें थीटा ज्ञात करना है, थीटा बराबर वाट, उसे में उसी पर बन जाएगा चला, चूँकि आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा बोलो फार्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, एक जैसा हम सेम है कोई अंतर नहीं, स्क्वायरिंग दोनों तरफ वर्क कर लिख देते हैं चला, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर वर्क नहीं आर स्क्वायर, तो आर का मान 5 भी रख दिए चला, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दे दिया है 5 का स्क्वायर, आई पी रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, पी स्क्वायर का मान क्या 3 रख देंगे चला 3 स्क्वायर, और क्यू का मान 4 स्क्वायर हो जाएगा 2, पी क्यू का मान 3 गुने 4 रख सकते हैं, इसे कोई ज़रूरत नहीं है चला, आगे कटने वाला है 25 आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस होगा 4 12 24 cos थीटा का लिखता है कोई दिक्कत नहीं, 2 4 25 बराबर हो जाएगा 16 9 25 25 इंटू 24 cos थीटा प्लस में जाएगा कट जाएगा प्लस में, इधर आ 0 बचेगा यानी 24 cos थीटा हो जाएगा 0 आ 0 यानी cos थीटा हो कितना 0 बटा 24 तो होगा 0 आ जाएगा चला 0 कितना आएगा 90 कितना पर cos का मान यानी हो जाएगा cos थीटा बराबर हम cos 90 रख सकते हैं नहीं चला कॉस 90 मान 0 कॉस को कैंसिल एक तरह थीटा बराबर 90 डिग्री यानी एक जैसा था कोई अंतर नहीं। चल यार नहीं स्क्रॉन स्क्रीन शॉट मार लेना नहीं यानी 17 बन गया है 18 में बोला गया बाबू 18 कैसा क्वेश्चन है ऊपर दे गए चित प्रश्न में आपके पास बोला चला कि वेक्टर पी और वेक्टर आर के बीच कोण क्या होगा चलिए देखिए इसमें बोला गया बाबू चलिए मिटाना है ने यानी 19 बोला है बाबू 18 है जो सत्रह लाख क्वेश्चन है बाबू आराम से देखिए 18 में बोला गया है 18 बोला गया ऊपर दिए गए प्रश्न यानी 17 में वेक्टर पी और वेक्टर आर के बीच कौन ज्ञात करें दो चला आपके पास पी और आर लंबवत नहीं रहे पी और आर कैसा है
पी है, सॉरी पी आपका मान लो इधर है, चला वेक्टर पी है, 90 डिग्री कोण आया, मतलब पी और क्यू के बीच का कोण 90 है, मतलब इधर क्यू होगा, और आर बीच से जाते हैं चला, ये आपका वेक्टर आर होगा। पी का मान कितना दिया हुआ चला, दिया हुआ आर भी 100 दिल है, यानी आपके पास हो जाएगा चला। इससे अगर हम लम खींचें पी का वैल्यू कितना दिल है बताओ 3, क्यू का मान कितना हो जाएगा चला, अगर हम इससे खींचेंगे लम चला, पी का मान हो जाएगा 4 न्यूटन, आर का मान आपका दिल है 5 न्यूटन, क्लियर। तो ये भी आपका हो जाएगा। चलिए इतने निकालना, हमें निकालना है कौन चला है अल्फा, क्या माना है बोला है 18 में, बोला है चला ऊपर दिए प्रश्न में पी और आर के बीच कौन ज्ञात करना है। देखिए पी और आर के बीच में पी इधर वेक्टर पी आई आर होगा, उसके बीच में कॉस में दिया हुआ है, अब कॉस में कॉस से निकाल लेते चला। तो देखिए यहाँ से लगाइए कॉस अल्फा, क्या लगाना है कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, बी बटा ए, आधार कितना है 3, अब बटा क्या है कर्ण कितना है 5, कर्ण हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए चला अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स में आपका आंसर इनवर्स चलेगा 3/5 आपका हो गया आंसर निकल गया है। अब हम बात करें 19 क्वेश्चन, 19 को बनाना चाहते हैं 19 में बोला गया बाबू नीचे देखे चित्र में दो समान परिमाण वाले बल इस प्रकार लगते हैं कि इसका परिणामी बल ज्ञात करें। देखिए नीचे दिए गए फिगर बना हुआ चला, उसमें दो समान बल है 100-100 न्यूटन का और 60 डिग्री के कोण दिया हुआ है फिगर के अनुसार। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं, मतलब आपके पास ऐसा शायद दिया हुआ फिगर अंदाज से बनाने चला, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, इधर आपका 100 न्यूटन एक बल लगा फिगर दे लें, इधर चले इसकी डायरेक्शन चेंज है, इधर 100 न्यूटन दिया हुआ है, इसके बीच का कोण 60 डिग्री, क्लियर है चला, यानी दो बल है, इसको ये माने इसको बी माने, लेकिन एंगल जो है चला हम बार बार बोले चला कि एंगल आपके पास दोनों सदिश अगर एक इधर है तो इसका सदिश के डायरेक्शन इधर होना चाहिए, क्लियर है चला। तो हमें कोण अगर आपके 60 दिया हुआ है तो दोनों सदिश का भी कोण नहीं कहलाएगा बाबू, आपका कोण ऐसा होता चला कि एक इधर सदिश है एक इधर है तब उसको हम कोण मानते हैं थीटा, क्लियर, मतलब ये मान लो ये इधर है अगर भी है तो ये दो सदिश के बीच थीटा कहलाता है, लेकिन ऐसा सदिश है सदिश के डायरेक्शन क्या क्या हुआ उल्टा है, इसलिए चला इसको सही करने के लिए ताकि हमारा फार्मूला पर काम करने के लिए क्या करना है कि थीटा अगर 60 रखना चला तो आपको इसको माइनस लगा दे ताकि इधर डायरेक्शन इधर हो जाए, क्लियर। तो इसी फिगर को हम नया फिगर बनाते हैं, इसी के बराबर हुआ चला आपका ये मान लो ए बराबर आपका हुआ है कितना दिला चला 100 न्यूटन मान लेते हैं, ये आपका ऐसे हमें कर दो फिगर, ये बी मानो माइनस 100 कर देना, क्या कर देंगे बी मान लिए, मतलब दिशा चेंज कर दिए, अब ये कौन 60 रह जाएगा 60, अब इसी पर बना दिए ए बराबर 100 बी बराबर माइनस 100 रखना है, थीटा का मान 60 क्या रखना चला, ये तो हो गया होगा है कि नहीं। अब हमें क्या करना है कि आपके पास आर निकालना है, दोनों सदिशों का परिणामी निकालना है, रियलिटी निकालना है, चलिए लगाइए फार्मूला, चूंकि आर बराबर क्या होता है आर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, ए और बी दो को माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री, थीटा कितना ले लें 60, क्लियर। आर निकालना है, ए का मान कितना है 100, जल्दी बोलिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा चला, बी का मान माइनस 100 लेना है, माइनस 100 यहाँ प्लस रहेगा इसके बी का वैल्यू माइनस देना, क्लियर, प्लस 2 ए का मान कितना 100 बी का मान माइनस 100 क्या लेना है बी का मान माइनस 100 और cos 60 कितना लेना बाबू cos 60, क्लियर, ए बी का वैल्यू रख दिए अंडर रूट 100 का स्क्वायर 004 हो जाएगा चला, माइनस का भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बोलिए माइनस कितना होते चला अरे 2 गुने हो जाएगा 10 4 देते हैं, कॉस 60 का मान हाफ होता है, कॉस 60 का मान हाफ 37 का मान हो जाएगा चला। चलो यहाँ पर देखिए कि हाफ हो ये दो दो ऊपर नीचे कैंसिल, आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 चला 10,000 हो जाएगा, ये प्लस है 10,000 अभी माइनस ही बच जाएगा चला, 1,10,000 यहाँ बच जाएगा कि नहीं, चले माइनस प्लस कट जाएगा क्या बचेगा बताओ, आर बराबर 10,000 अंडर रूट कितना बचेगा 10,000 बच जाएगा, अब बताओ इसका वर्ग मुझ 100 आ जाएगा कि नहीं, आने आर बच जाएगा 100 न्यूटन, आंसर कितना आ गया आर आ गया आंसर 100 न्यूटन, क्लियर। चलिए इसको स्क्रीन शॉट मारिए फटाफट, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन चला, कहमा बन गया है 19 बन गया चला, 20 बोला है क्या यह संभव है कि एम क्रॉस वेक्टर एम, चलिए बीसवा यहाँ पर दिया हुआ है 19 हो गया नहीं, बीसवा बोला है क्या यह संभव है कि वेक्टर एम क्रॉस एम बराबर एम हो सकता है, चला उस संभव है एस ओनली फॉर नल वेक्टर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चला एस ओनली फॉर नल वेक्टर, किसके लिए नल वेक्टर, जीरो वेक्टर बोल सकते हैं ओनली फॉर नल वेक्टर, मतलब केवल जीरो सदिश में संभव है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में केवल जीरो एकांक में नहीं होगा, क्या कि एकांक अगर दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करें चला उसका जीरो 10 सेम अगर रहेगा तो, इसलिए सेम है जीरो क्रॉस जीरो और जीरो लिख सकते हैं, मतलब नल वेक्टर में यह संभव है दो नल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आता है, क्लियर है, इसलिए ओनली हो जाएगा 20।
चलिए उसके बाद हम एक किस बात करें, चलिए किस क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, चला चलिए आप आराम से इसको इतना लिख लीजिए आराम से, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 21 में, हो गया होगा नहीं। चलिए 21 है जो 21 22 23 तीनों एक जैसा है, एक बना लीजिएगा दूसरा, थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, कंपोनेंट पर बनाना चाहेंगे हम। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, 21 में बोला गया है क्वेश्चन आपका 21 21 में, देखिए फिगर क्वेश्चन पढ़ के फिगर अपने बनाना, ठीक है। 21 में बोला है चला कोई कण 4 मीटर पश्चिम दक्षिण दिशा में विस्थापित होते हैं, सुन लीजिए 4 मीटर जाता है पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम और दक्षिण बोले मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच में जाता है तिरछे, क्लियर है, चला जाते हैं विस्थापित होते हैं, उसके बाद 5 मीटर पूर्व की ओर विस्थापित होते हैं, 5 मीटर ईस्ट की ओर जाते हैं, किधर जाता है उसके बाद 4 मीटर जाने के बाद 5 मीटर पूर्व की ओर जाते हैं, और अंत में 6 मीटर पूर्व से 60 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर विस्थापित होते हैं, और अंतिम लास्ट में तीसरा विस्थापन होता है। बाबू पूर्व से 60 डिग्री के कोण पर उत्तर की ओर जाते हैं, कितना 6 मीटर जाते हैं, तो कुल उसका विस्थापन ज्ञात करना है। सुन लीजिए हमें पूर्व पश्चिम के डायरेक्शन रहेगा, चला पूर्व पश्चिम लाकर क्वेश्चन रहता है, सुन लीजिए आराम से, हम लोग क्या करते हैं इधर हम लोग ईस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं चला ईस्ट हो जाएगा, मतलब इसको हम बोलते हैं पूर्व, क्या जानेंगे पूर्व, देखकर उल्टा क्या हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम इसको हम लोग वेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे बाबू, ऊपर में नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब ऊपर, यानी ऊपर में उत्तर, क्या याद रखेंगे ऊपर में उत्तर, तो नीचे में हो जाएगा दक्षिण, सही बात है कि नहीं, नीचे क्या हो जाएगा साउथ, और साउथ हो जाएगा मतलब दक्षिण हो जाएगा, ऐसे हम लोग डायरेक्शन लेते हैं कॉपी पर, क्लियर। अब मान लो यहाँ से कोई चलना शुरू किया, ध्यान दीजिए, तो 4 मीटर जाता है किधर पश्चिम और दक्षिण, देखिए दिया हुआ 4 मीटर जाता है पश्चिम और दक्षिण दिशा में, पश्चिम और दक्षिण दोनों मिला मिला उसके बीच में जाता है, तो 4 मीटर इधर आ गया, क्लियर, यहाँ समझ आ गया 4 मीटर। इसके बाद क्या होता है, यहाँ जब आया चला तो इसके लिए इधर नहीं पूरब होगा रे, इधर यहाँ पर इधर पूरब है तो यहाँ पर के लिए इधर पूरब होगा, यहाँ पर अब चला आया है यहाँ, तो इसके लिए इधर पूरब होगा, तब 5 मीटर पूरब जाता है मतलब इधर जाएगा, 4 नहीं उससे बढ़ा लीजिएगा तो ये 5 मीटर लगेगा पूरब गया 5 मिनट। इसके बाद दो चला इसके लिए इधर पूरब होगा, ऊपर में उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, चला इधर होगा पश्चिम, तो जाता है पूरब से 60 डिग्री के कोण पर, तो इसके लिए इधर पूरब होगा और उत्तर जाता है 60 डिग्री के कोण पर, तो उत्तर इधर जाएगा मान लो 6 मीटर जाता है, कितना दूर जाता है चला 6 मीटर जाता है, चला यहाँ पर पहुँच गया, क्लियर है, कहाँ से पूरब से 60 डिग्री के कोण पर, क्वेश्चन में दिया हो चला, तब बताइए विस्थापन ज्ञात करना, देखिए चला अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप कंपोनेंट तोड़ के बनाइए, कंपोनेंट तोड़ना सिखाएं चला कंपोनेंट, आप देखिए चला ये आपका क्या है पश्चिम है साउथ है और वेस्ट है, तो पूरा कोण 90 बनता है, तो आधा आधी हमें 45 डिग्री कोण ले सकते हैं, इधर 45 होगा कोई एक के कोण लीजिए काम चलेगा, अब एक नाम दो ओ हम मान लें ओ ए बी, इसको हम सी मान लें, क्लियर। अब टोटल एक्स कंपोनेंट टोटल वाई कंपोनेंट निकाले, दे ओ ए का तो एक कंपोनेंट तोड़ें चला, ओ ए का इधर अगर कॉस में टूटेगा थीटा जिधर लगा ले तो ओ ए का हो जाएगा ओ ए कॉस, ओ ए का हो जाएगा चला ओ ए कॉस 45 डिग्री, ठीक है हम नहीं बन दिखाया था देता होगा ना, देखिए फिर से हल्का सा, देखिए आराम से इधर जो कंपोनेंट आएगा बाबू, इधर जो कंपोनेंट है ओ ए कॉस 45 डिग्री, क्लियर, ओ ए कॉस पर इधर आ जाएगा ओ ए साइन 45 डिग्री, ओ ए साइन 45 कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, क्लियर। इसका हो गया जो ये तो एक शख्स पर इसका कंपोनेंट तोड़ने जो नहीं, इसका वाई कंपोनेंट 0 आएगा, एक शख्स पर वही रह जाएगा, ये तिरछे इसका इधर कॉस थीटा टूट जाएगा, चला क्या हो जाएगा बी सी, एक नाम क्या बी सी, तो हो जाएगा बी सी कॉस 60 डिग्री कॉस में टूटेगा, इधर दूसरा कम इधर टूट जाएगा साइन में, हो जाएगा बी सी साइन 60 डिग्री, क्लियर, में भी दिक्कत हो सकता है, बस तीनों का कंपोनेंट तोड़े, आप लिखो टोटल एक्स कंपोनेंट, क्या निकालना है बोलिए फटाफट, टोटल एक्स कंपोनेंट, लंबा थोड़ा जा सकता है, टोटल एक्स कंपोनेंट तेरा हम टी एक्स मान रहे हैं, क्या मान रहे चला, देखिए तीनों सदिश का एक्स कंपोनेंट है, पहला ही है दूसरा ही है तीसरा ही है, दो चला पहला सदिश का ध्यान दीजिए, अब एक्स कम होगा इधर लेफ्ट साइड है, ध्यान देना है प्लस माइनस लिया जाता है, एक्स आपका इधर प्लस एक्स अक्ष होता है, इधर माइनस एक्स अक्ष होता है, राइट साइड में जो डायरेक्शन रहेगा वो एक्स अक्ष पर प्लस लीजिएगा, सॉरी लेफ्ट साइड जिसकी डायरेक्शन रहेगा माइनस लीजिएगा, वाई एक्स ऊपर नीचे होता है, अगर ऊपर में वाई एक्स की अगर ऊपर दिशा है वाई एक्स पर प्लस लीजिएगा, अगर नीचे डायरेक्शन है माइनस लीजिएगा, क्लियर। अब दो चला हमारा जो पहला से ओ ए है उसका जो एक्स कंपोनेंट है इधर है माइनस एक्स अक्ष है, तो ये हो जाएगा माइनस ओ ए साइन थीटा, कितना हो जाएगा माइनस ओ ए साइन 45 डिग्री, क्लियर है। फिर दूसरा ध्यान, ये पहला हो गया, दूसरा तो एक्स अक्ष पर है ये चला, ये भी
अरे बोलो ए बी है ये एक्स एक्स पर है, तो एक्स एक्स वही वैल्यू रहेगा, राइट साइड डायरेक्शन में प्लस होगा, क्या हो जाएगा ए बी आपका एक्स एक्स पर है ये। दूसरा दिया है बी सी, बी सी भी आपका बी सी कॉस थीटा राइट यानी एक्स एक्स देने प्लस एक्स एक्स राइट दिशा में राइट डायरेक्शन में प्लस लीजिएगा बी सी कॉस 60 डिग्री। अब साहब का वैल्यू रखिए कैलकुलेट कीजिए, माइनस माइनस लेफ्ट साइड सही गया चला, माइनस क्या हो जाएगा माइनस ओ ए का मान 4 रखिएगा, ओ ए ओ ए नाम नहीं 4 हो जाएगा, माइनस 4 साइन 45 का मान 1 बाई रूट 2 ए बी, ए बी डायरेक्ट 5 है, एक्स अक्ष पर है डायरेक्ट 5 हो जाएगा, बी सी का मान क्या है 6 है, कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा हाफ हाफ साइन 30 के बराबर होगा। अब दो चला ये 3 दुना 6 हम काट सकते हैं, आयु चला चाहें तो 2√2 से कट जाएगा, 4 कितना कट जाएगा 2√2 से, क्लियर है कैसे करें ध्यान दिए, 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 को √2 से काटिएगा क्या बचेगा −2√2 बचेगा, −2√2 हो जाएगा चला। अब प्लस 5 3 कितना हो जाएगा बोलो 8। अब इसको हम सोल्व करें, −2√2 का मान 1.414 रख दीजिए, अब प्लस 60 हो जाएगा, इसको अगर हम घटाएंगे चला चलिए आगे बढ़ जाते हैं, टी एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास, देखिए क्या हो जाएगा यानी हो जाएगा चला 28 कितना हो जाएगा 2.828 नहीं 14 हो जाएगा, माइनस में है प्लस 60 है, इसको अगर हम घटाएंगे चला क्या घट जाएगा थोड़ा सा कैलसिक प्रयोग करना पड़ा चिल्ला, मतलब हो जाएगा 8 माइनस टाइम लग जाएगा 2.822 यानी आ जाएगा 5.17 प्लस में बड़ा वैल्यू है 5.172 इतना टी एक्स आ गया चला। अब बताओ अगर हम इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसलिए टी एक्स के ऊपर अगर तीर लगाना चाहेंगे चला तो एक्स अक्ष पर वैल्यू आया टी एक्स मतलब एक्स अक्ष पर, तो इसको हम वेक्टर में क्या लिखते हैं 5.172 आई कैप लिख सकते हैं, अरे आई कैप मतलब एक्स अक्ष पर ही वैल्यू आया एकांक से लगा सकते हैं कि नहीं, टी एक्स का मान आ गया चला। इसी पर हम निकाला टोटल वाई कंपोनेंट, टोटल वाई कंपोनेंट क्या करना है इसी पर टोटल वाई कंपोनेंट हमें ज्ञात करना है, लंबा जाएगा बताए थे टोटल वाई कंपोनेंट, तो टी वाई क्या निकालना है बाबू टी वाई माने, अब देखिए पहला सदिश ओ ए उसका वाई कौन नीचे है नीचे आ रहा है किधर नीचे, तो माइनस ओ ए कॉस 45 डिग्री नीचे माइनस हुआ। अब यहाँ देखिए ए बी का वाई कंपोनेंट 0 एक्स अक्ष पर है इसलिए वाई कंपोनेंट 0 एक्स अक्ष पर डायरेक्ट है इसका वाई 0 आएगा मतलब प्लस क्या हो जाएगा 0। तीसरा आपका बी सी है ऊपर में है क्या होगा प्लस बी सी साइन 60 डिग्री वाई कंपोनेंट क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे टी वाई बराबर माइनस ओ ए का मान 4 कॉस का मान 1/√2 प्लस 0 हो गया 0 बी सी का मान 6 साइन 60 का मान √3/2 ये 3 दुना 6 कट जाएगा चला ये आपको 2√2 से काट सकते हैं अब ये काटे हैं 2√2 आ गया टी वाई बराबर माइनस √2 का मान 1.414 रख देंगे अब हो जाएगा 3√3 प्लस 3 √3 का मान 1.732 √3 दे 3 को 3 लिखे हैं √3 का मान रख दें क्लियर। अब हो जाएगा चला ये माइनस में होगा −2.828 प्लस 3 × 6 × 3 = 9 7 × 21 = 5 ठीक है ना यानी इतना आ गया चला 3 × 6 × 3 = 9 7 × 21 = 2 हो जाएगा 3 × 3 = 5 क्लियर। अब इसको घटा दीजिए आपका वैल्यू टी वाई निकल जाएगा यानी 5.196 माइनस हो जाएगा चला 2.828 यानी हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 2.368 इतना। इसीलिए अगर वेक्टर के रूप में अगर लिखना है टी वाई बराबर चला तो इसको चाहे 2.368 जे कैप लगा सकते हैं का यूनिट वेक्टर जे यूज कर सकते हैं ठीक नहीं घट के आया चला 368 ठीक है क्लियर। अब देखो बाबू अब हमें निकालना है परिणामी विस्थापन ये तो निकल गया इसीलिए आर परिणामी विस्थापन बराबर चला परिणामी विस्थापन जो होगा बाबू आर बराबर हो जाएगा चला वेक्टर में तो टी एक्स प्लस टी वाई हो जाएगा क्या हो जाएगा चला दोनों सदिश जोड़ दिए टी एक्स प्लस टी वाई इसलिए वेक्टर आर बराबर टी एक्स का मान देखिए कितना चला 5.172 आई अब प्लस यहाँ पर दो 2.368 जे अब इसलिए एकर परिमाण आर बराबर तो एकर परिमाण अंडर रूट में चला अंडर रूट में सबका कोफिशेंट का स्क्वायर करके जोड़ते जाना क्या करना है सभी का कोफिशेंट आई का कोफिशेंट क्या है 5.172 का स्क्वायर हो जाएगा चला अंडर रूट में प्लस जे का कोफिशेंट क्या है 2.368 का स्क्वायर अब स्क्वायर करके जोड़ दीजिए आपका आंसर चला गया चला चलिए हम कर देते हैं आपके पास मना हो जाएगा 5.172 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा चला 26.749 प्लस
चलिए इसके बाद हो जाएगा चला आपका कितना चला 2.368 का स्क्वायर लो हो जाएगा 5.60। अब दोनों जोड़ देंगे नहीं चला, दोनों जोड़ेंगे कितना जुटेगा इसमें चला, यानी जुट जाएगा सॉरी मतलब हो जाएगा 26.749 प्लस हो जाएगा 5.60 तो हो जाएगा चला 32 पॉइंट कितना आ जाएगा चला 34। अब इसका वर्गमूल निकाल देना नहीं तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अब डायरेक्ट अंडर रूट में हो जाएगा सॉरी अंडर रूट में हो जाएगा 32.34 यानी 5.68 आपका आंसर आने आ गया फाइनल चला 5.68 मीटर विस्थापन। आराम से लिख लीजिए आपका आंसर मिलना चाहिए कैमरा चला 21 का आंसर देख लिए 21 5.68 बिल्कुल है ठीक है यानी आंसर हमें एक बार लिखिए पढ़ा सुना लॉन्ग क्वेश्चन था बोले थे लंबा जा सकता है एक और इसी प्रकार बनेगा आराम लिख लीजिए अपना स्क्रीन शॉट मारिएगा क्लियर हो गया नहीं नहीं समझ में आएगा कॉमेंट करेंगे फटाफट क्लियर हो जाएगा कंपोनेंट चलिए 21 हो गया 22 बनाइए चलिए 22 में देखिए क्या कर रहा है बाबू बढ़िया क्वेश्चन था ना कंपोनेंट वाला है मजा दम लगे तो नहीं रे चलिए 22वां पढ़िए चला क्या बोला 21 हो गया है 22वां क्वेश्चन में बोला गया है चलिए 22 इसी प्रकार 22 में इतने लंबा जाएगा बनाते हैं फिर 23 इसी बनेगा 22 में बोला गया चला नीचे देखे चित्र में एक क्रिकेट बॉल है बिंदु एम से एन पर पहुंचते हैं तो इसका कुल विस्थापन ज्ञात करना फिगर की भी ने फिगर दिया हुआ है बोला गया है कि कोई गेंद है जो बिंदु एम से एन पर जाता है फिगर के द्वारा रास्ता दिया हुआ कैसे कैसे जाना है कुल विस्थापन ज्ञात करना है कोई दिक्कत नहीं फिगर में आपका बना हुआ चला ऐसा है कि कोई है एम से चला सुनो यहाँ शायद 30 डिग्री दिया हुआ है मिला लेंगे 30 डिग्री होगा ना यहाँ जाता है 7 मीटर जाता नहीं चला है 10 मीटर इसके बाद सीधे जाता है 7 मीटर ध्यान देने वाली बात है ये आपका जाएगा 7 मीटर उसके बाद जाता है 15 मीटर मतलब इतना लंबा दुगना दूरी भी लगे देखें भी यानी हो जाएगा 22 यहाँ रखते हैं सुनिए चला मतलब 15 मीटर लगे भी होकर दुगना दूरी है कि नहीं यहाँ आया और उसके बाद क्या करते हैं 5 मीटर इधर जाता है क्लियर एन पर यही दिया हुआ ये बी है नाम सी है डी है यहाँ पर कौन आपका 37 डिग्री दिया हुआ ये आपका 15 मीटर दूरी विस्थापन दिया हुआ कुल एम दो एम से चला एन पर पहुँचा आपका कुल विस्थापन निकालना फिगर समझ लीजिए बोला है कोई गेंद चला एम से इस फिगर के द्वारा एम से बिंदु एन पर जाता है कुल विस्थापन ज्ञात करना है वैल्यू 10 मीटर है 7 मीटर है 15 मीटर है फिर आपका 5 मीटर है यहाँ 30 डिग्री यहाँ पर 37 डिग्री कौन दिया हुआ ये आपका 5 मीटर है अभी सेम जैसा करना है टोटल एक्स कंपोनेंट टोटल वाई कंपोनेंट कंपोनेंट निकाला जाता है चला जो तिरछे होता है जो कोई अक्ष पर है उसका कंपोनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अभी इसका कंपोनेंट निकालते हैं ये बी क्या है एम बी है तो एम बी का इसके साथ कौन है तो एम बी कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं इधर नहीं जाएगा कंपोनेंट रे एम बी कॉस 30 डिग्री एक दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा एम बी साइन हो जाएगा एम बी ए का नाम है चला फिर 10 वैल्यू रख दो एम बी साइन 30 डिग्री ये आपका वाई एक्स पर एक्स एक्स कोई दिक्कत नहीं कर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा कंपोनेंट को डॉट डॉट ले लेते हैं नहीं गड़बड़ा जाएगा चलिए तो इधर आ जाएगा चला ये 5 मीटर है तो इधर एक जाएगा इसका एम डी एन का तो इधर कॉस में टूटेगा इधर इधर नहीं से कौन लगा ले रे डी एन कॉस 37 डिग्री इधर आ जाएगा डी एन साइन 37 डिग्री अब टोटल एक्स क्या निकालना है कंपोनेंट टूट गया टोटल एक्स कंपोनेंट टोटल एक्स कंपोनेंट टेढ़ा चला चलिए इसको हम टी एक्स मान लेते हैं क्या मानते हैं बाबू तो देखिए पहला सदिश क्या है एक बार अगर माने तो लिख दो एम बी का एक्स कंपोनेंट क्या है एम बी एक्स प्लस क्या होगा बी सी एक्स अगर लिखेंगे उन्होंने नाम दे दिक्कत है सी डी एक्स सी डी का एक्स प्लस डी एन ए का एक्स नाम दे लिए क्लियर एक्स कंपोनेंट आप बोले इसको टी एक्स माने एम बी का एक्स क्या है राइट साइड दिशा एम बी कॉस 30 ओ सॉरी यार एम बी कॉस 37 डिग्री बी सी बी सी डाई वाई एक्स पर एक्स कंपोनेंट 0 सी डी लेफ्ट साइड है माइनस लेफ्ट साइड माइनस सी डी का होगा सी डी का सी डी हो जाएगा पल है डी एन ए राइट साइड है प्लस होगा डी एन ए कॉस 37 डी एन ए कॉस 37 कोई दिक्कत ठीक नहीं चला
चलिए कैलकुलेट करेंगे फटाफट, आप करते जाना चला कैलकुलेशन। नंबर एमबी का मान 10, एमबी का 10, कौन 37 का मान 4/5, कौन 37 का मान 4/5 0, सीडी का मान सीडी कहाँ है 15, लेफ्ट साइड -15 ठीक है। डीएनए का मान 5, कौन 37 का मान, ओ दोनों ठीक है चला, अरे 30 नहीं दोनों का कॉस लेवा गया 30 डिग्री, दो यहाँ गलत हो जाता चला, एमबी कॉस 30 है चला 30 डिग्री है ना, तो अभी गड़बड़ हो जाता। कॉस 30 का मान साइन 60 का √3/2, समझ नहीं, कॉस 30 साइन 60 का मान लगेगा, यहाँ तक ठीक है। डीएनए का मान 5 हो गया, कॉस 37 का मान 4/5, याद रखिएगा 5 5 कैंसिल, 5 × 10 tx बराबर 5√3, √3 का मान रख दिए 1.732, क्लियर, -15 प्लस कितना बचेगा 4, tx बराबर चला गुना कर दिए 5 × 10 5 × 15 = 16, हाथ में 7 × 35 छाते, हाथ में 3 5 × 5 = 3 8, सही है 5 × 10 5 × 15 = 16, हाथ में 1 7 × 35 छाते, हाथ में 3 5 × 3 8 ठीक है। माइनस कितना होगा 11, माइनस हो गया 11 में घटाओ चला आएगा माइनस में, टी एक्स वन निकल जाएगा चला, कैलकुलेटर बेस कर दें बाबू अपने घर में, कैलकुलेट करते रहिएगा, यानी 11 माइनस हो जाएगा 8 कितना चला 666 नहीं चलो बढ़िया 1.1 ठीक गुना ठीक है ना चला, कोई गड़बड़ नहीं चला, 11 में जाएगा कितना माइनस बचेगा 2.34 बढ़ चुका है इतना है। अब इसको अगर वेक्टर के रूप में लिख दे मैंने चला का जोड़ेंगे आर निकालना है तो एक शख्स पर नहीं वैल्यू आया आई कैप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख दिए एक बार बढ़िया लगेगी। इसी बार टोटल वाई कंपोनेंट क्या निकालना है, टोटल वाई कंपोनेंट टी वाई निकालना है, दे एम बी का वाई लिख दो एक बार, एम बी वाई प्लस क्या होगा बी सी वाई प्लस सी डी वाई प्लस डी एन ए वाई, मतलब सबका वाई कंपोनेंट लेना है, क्लियर, नाम दे दिया टी वाई, एम बी का मान दो ऊपर में प्लस एम बी साइन 30, बी सी का मान डायरेक्ट वाई है तो बी सी हो जाएगा, सी डी का मान 0, वाई कॉमन 0, माइनस डी एन नीचे आ रहा है डी एन साइन 37, माइनस नीचे है डी एन साइन वाई एक्स में नीचे माइनस टी वाई, कैलकुलेशन कीजिए एम बी का मान 10, एम बी का मान 10, साइन 30 का मान हाफ, बी सी का मान 7, बी सी का मान 7, माइनस 0 माइनस डी एन 0 प्लस 0, डी एन का मान 5, साइन का मान 3/5, साइन 37 का मान कितना 3/5, 5 5 कैंसिल, 5 × 10 हो जाएगा चला, टी वाई बराबर हो जाएगा आपके पास 5 × 5 प्लस 7 और हो जाएगा -3, कितना गया टी वाई बराबर चला 7 × 12 में 3 × 9, इसलिए अगर टी वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे चला तो ये टी आ गया 9j, सही बात है। अब इसीलिए निकालना है परिणामी विस्थापन या तो कहें कुल विस्थापन, इसीलिए हो जाएगा चला परिणामी विस्थापन हो जाएगा, परिणामी विस्थापन आर बार दोनों का जोड़ देना चला, वेक्टर आर इक्वल्स टू टी एक्स प्लस टी वाई, क्या लिख सकते हैं चला, चले आर इक्वल वेक्टर आर इक्वल टू देंगे टी एक्स का मान देंगे कितना -2.34 आई कैफ प्लस क्या चला 9j, इसलिए अब आर परिमाण निकालना, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ देना, आई का कितना को 2.34 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, आर का चला यहाँ पर क्या हो जाएगा चला उन्होंने में 81 हो जाएगा 2.34 का स्क्वायर 81 हो जाएगा 81 प्लस हो जाएगा 5.475 हो जाएगा, अच्छा तो ऐसे जुड़ दीजिए यार 86.475 होता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ले, इन होता है व्यवस्था नहीं बिल्कुल बड़ा होता है, यानी अंडर रूट हो जाएगा चला 86.475 9.299 इतना आ जाएगा आपका मीटर चला, तो शायद आपका आंसर है 9.3, तो एक कोई दिक्कत है 29 को आप 3 लिख सकते हैं, 29 आप लिख सकते हैं, चलिए आपका आंसर हो जाएगा चला, यानी कैमा हो गया चला बताए हैं 22 है चला आपका 9.3 मीटर दिल है दो चला 23 भी उसी पर का बन जाएगा सही, आप लिखे बार स्क्रीन शॉट मारिए यहीं पर छोड़ते हैं, लंबा क्वेश्चन है टाइम ज़्यादा ओवर वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए हम तेज समझाते हैं, तेज में बोला गया चला
यानी 23 अपना पढ़ाक बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 22 तक रहने, 23 अपना घर में बना गएगा। बाय, थैंक्स।